सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फार्मा नॉलेज चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीलेप्रोटिक ड्रग। ओके, जो डी फार्म का सिलेबस अगर आपने देखा तो उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पीसी सेकेंड। ओके, सो पीसी सेकेंड में जो फोर्थ चैप्टर है एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स, इट इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, 4 या 3 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर को। ओके, सो एंटीलेप्रोटिक चैप्टर दैट मीन्स एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीलेप्रोटिक ड्रग का इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स। ओके, सो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले फार्मा नॉलेज के वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके, सो लेट्स बिगिन टूडेज लेक्चर नाउ। ओके, सो जो पीसी सेकेंड को मतलब कि डी फार्म के पीसी सेकेंड में एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स इस चैप्टर में आपको सिर्फ फोर्थ, यही फोर्थ ड्रग्स पूछे गए हैं। मतलब कि सिलेबस कॉपी में अगर आपको देख लेंगे सिलेबस कॉपी तो उसमें सिर्फ ये फोर ड्रग पूछे हैं, आपको फोर ड्रग्स का ही स्टडी है। मतलब कि डैप्सोन, क्लोफेजिमाइन, थायामडोटाजोन एंड सोलैप्सोन। वैसे तो एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन ब्रॉड है। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डैप्सोन, क्लोफेजिमाइन, थायामडोटाजोन और सोलैप्सोन ही दिया है डी फार्म के सिलेबस में। ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर नाउ। ओके, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, ठीक है। फर्स्ट वन यू वांट टू नो ना, लेप्रोटिक, लेप्रोसी, व्हाट इज लेप्रोसी, है ना। फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लेप्रोसी। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स अगर आपको देखने हैं तो लेप्रोसी का मीनिंग पता होना चाहिए। सो लेप्रोसी इज अ, फर्स्ट लाइन देखिए, लेप्रोसी इज अ क्रोनिक कम्युनिकेबल डिसीज, दैट मीन्स इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज है वो। ओके, कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया। माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया इज अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन किसकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, दैट मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन नो, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोमैटस लेजन्स। ग्रैनुलोमैटस लेजन्स मीन्स, ग्रैनुलोमैटस लेजन्स मीन्स इट इज अ स्किन डिसीज है वो। उसमें क्या होता है, स्किन पैचेस या रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर पर देखने को मिलती है आपको स्किन पे, इट इज अ स्किन पैचेस और स्किन डिसीज है वो, ग्रैनुलोमैटस लेजन्स ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन पता है आपको, एपिथेलियल टिश्यू सिक्रेट करता है म्यूकस एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अटैचमेंट है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहाँ पे फंक्शनल दिखाता है। ओके, सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोमैटस लेजन्स को ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स, इस पे एक्टिविटी दिखाता है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स, और लेप्रोसी वहाँ पे इन्फेक्टेड इन्फेक्शन दिखाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ, इट इज अ क्रोनिक। क्रोनिक मीन्स, क्रोनिक और एक्यूट में आपको डिफरेंस पता है, क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टाइम ट्रीट टू लॉन्ग पीरियड, दैट मीन्स इसकी जो ट्रीटमेंट चलता है वो लॉन्ग पीरियड तक इसकी ट्रीटमेंट चलता है कोई डिसीज का। और एक्यूट डिसीज कैसे होते हैं, जो कि तुरंत उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योर हो जाता है वो डिसीज। लेकिन क्रोनिक डिसीज इज अ लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड टाइम डिसीजेस। ओके, और ट्रीटमेंट लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट समझे आप। ओके, सो इट इज अ क्रोनिक क्यूरेबल डिसीज मेनली कॉजिंग स्किन लेजन्स एंड नर्व डैमेज। नर्व डैमेज वाई, बिकॉज इट इज ऑल्सो अफेक्ट टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट दिखाता है तो ऑब्वियसली वो नर्व डैमेज को ही उस पर भी एक्शन दिखा देगा। ओके, सो इट इज अ क्रोनिक क्यूरेबल डिसीज मेनली कॉजिंग स्किन लेजन्स। स्किन लेजन्स मीन्स पैचेस ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर जो पैचेस या फ्लूड फिल जो क्या बोलते हैं उसको, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाता है देखो, तो उसी को स्किन लेजन्स या ग्रैनुलोमैटस लेजन्स कहा जाता है। ओके, सो इट इज अ मेनली कॉजिंग टू द लेजन्स एंड नर्व डैमेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ, सेकेंड पॉइंट इज अ लेप्रोसी कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद अ बैक्टीरियम यम लेप्रिया। यम लेप्रिया मीन्स माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया, उस इन्फेक्शन को कहा गया है माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया को वो डिसइन्फेक्शन कर देता है। सो इट इज मेनली अफेक्ट टू द स्किन, आईज, नोज, पेरिफेरल नर्व्स। कहाँ पे अफेक्ट दिखाता है, विच एरिया, स्किन, आईज, नोज, पेरिफेरल नर्व्स मीन्स
इस एरिया में वो अपना इन्फेक्शन कर देता है या इफेक्ट दिखाता है. ओके, सो क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स. ओके, समझ में आया एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स. व्हाट इज लेप्रोसी? लेप्रोसी इज द इन्फेक्शन ऑफ मेकोबैक्टेरियम लेप्रिया, वेयर इन्फेक्शन आर अफेक्ट टू द स्किन, आईज, नोज एंड पेरिफेरल नर्व्स. ओके, सो ऑन दैट इन्फेक्शन मेकोबैक्टेरियल लेप्रिया, दैट बैक्टीरिया आर किल्ड थ्रू डिसइन्फेक्शन और एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू द एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स सच एज अ डैप्सोन, है ना, क्लोफेजिमाइन, थायबुटासोन, सोलैप्सोन. ओके, सो इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग. फर्स्ट क्लास इज अ सल्फोन, सल्फोन रिलेटेड, सल्फोन एंड डैप्सोन. डैप्सोन इज अ टाइप ऑफ सोलैप्सोन, है ना, सोलैप्सोन इज अ टाइप ऑफ सल्फोन. ओके, सेकेंड है फेनाजिन. यहाँ पे फेनाजिन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोफेजिमाइन के स्ट्रक्चर में, सो इट इज अ फेनाजिन डेरिवेटिव. डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड प्रेजेंट है सेकेंड. ओके, सो इट इज अ थायाम्ब्यूटासीन. ये फोर ड्रग ही आपको सिलेबस में दिए गए हैं, सिलेबस कॉपी में डी फार्म के. ओके, सो समझ में आया क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग. एंटी लेप्रोटिक, लेप्रोसी इज अ क्रोनिक कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड बाय द मिकोबैक्टीरियम लेप्रिया. सो दैट मिकोबैक्टीरियम लेप्रिया को कौन डिसइन्फेक्शन दिखाता है? एंटी लेप्रोटिक ड्रग. बट मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमनली यूज एज अ डैप्सोन. डैप्सोन इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग और दैट यूज इन अ कॉमन. ओके, कॉमनली यूज किया जाता है डैप्सोन एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स करके. ओके, सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट ड्रग. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डैप्सोन का स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, प्रॉपर्टीज, यूजेस, ऑफिशियल प्रिपरेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, सो समझ में आया इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू.